हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज करने वाले निमेटोड्स। मैं तुम्हें प्लेटिहेलमिंथस ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है? प्लेटिहेलमिंथस कर चुके हैं, इसके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं तुम्हारे पास। तो ये सब चीज़ें वहाँ से कंप्लीट कर लेना। और ये निमेटोड्स की क्लास है जहाँ पे तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं तो वो एक बार देख लेंगे। उसके साथ साथ हम देख लेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो ये सारे के सारे मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि निमेटोड्स के अलग से आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि तुम्हारे निमेटोड्स बेसिकली जितने भी तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं और तुम्हारे प्लेटिहेलमिंथस के एग्जाम्पल हैं उनको तुम्हारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाल देंगे, करेक्ट या इनकरेक्ट में डाल देंगे, सीलम के बेसिस पे बोलेंगे तुम्हें करने को, या फिर प्रोटोस्ट्रोम या ड्यूटेरोस्ट्रोम के बेसिस पे बोला जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तुम्हारा डाला जाता है। तो जब एक बार ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में एक पूरा पूरा जब मिक्स वाले जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन कर लेंगे। सो अगर मैं बात करती हूँ फ्री क्लासेस की, तो तुम्हारी जो फ्री क्लासेस होती हैं वो यूट्यूब पे होती हैं, ठीक है? एक सुबह 10:30 पे होती है, जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। ये जो क्लास होती है तुम्हारी मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करती हूँ तुम्हारी एक शाम को 4 बजे क्लास होती है जो तुम्हारी रेगुलर बेसिस पे होती है। ये तुम्हारी मंडे टू सैटरडे और संडे सब टाइम पे होती है, कोई इसमें कोई वो नहीं होता कि कभी भी ब्रेक लग जाए। तो ये हमेशा क्लास होती है 4 बजे वाली। तो अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करा रही हूँ, साथ के साथ प्रॉपर रिविजन भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अगर आपको और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है? आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है, तो जब भी मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आपको अनअकैडमी में भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद होती हैं तुम्हारी प्लस वाली क्लासेस। ये जो होती हैं तुम्हारी पेड क्लासेस होती हैं, मतलब आपको पेमेंट करना होता है। क्योंकि आपको पेमेंट करना है तो आपको बहुत अच्छे से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको वहाँ पे यूनिट वाइज आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है? आपको जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। वहाँ पे आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विजेज होते हैं जिसके थ्रू आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, टेस्ट सीरीज चलती हैं जिसके थ्रू आपको पूरी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है कि आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ प्लस क्लासेस पे आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा कोर्स ले रहे हैं तो आपको मेरा कोर्स मिलेगा, नहीं। आपने एक बार अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, एक बार आपने ले लिया तो मेरी लाइव क्लासेस नहीं, जितने भी तुम्हारे CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं, सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो वो सबका मिल जाएगा, एक का नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके साथ साथ मेरा यहाँ पे रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? ये 5 नवंबर से तुम्हारा यहाँ से आने वाला है ये कोर्स। इस कोर्स में जितने भी टॉपिक्स मैं करा चुकी हूँ और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो टॉपिक मैं रिवाइज कराने वाली हूँ। और रिवाइज कराने के साथ साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मुझे लगते हैं कि हाँ अब ये आ सकते हैं नवंबर वाले एग्जाम में, तो वो यहाँ से हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है। ध्यान है गेट EAC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ्स का लेना है कि 6, 12 या 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे नवंबर वाले के लिए प्रिपेयर करें वो 1 मंथ का ले सकते हैं। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी प्रॉपरली और आपका यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। जो भी 6 से 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो 6 या 12 मंथ्स वाला ले सकते हैं। आपको इतना अमाउंट पे करना होता है, अबाउट 11,550। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10, KUMKUM10। ये कुमकुम 10 आपको कोड अप्लाई करना है, इसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। और इसका पता ये मतलब नहीं है कि आपको कुमकुम 10 अप्लाई कर दिया है तो आपको सिर्फ मेरा कोर्स मिलेगा, नहीं बेटा। आप जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है खाली मेरा मिलेगा। तो आप इस ये कन्फ्यूजन तो ना रहे तुम लोगों के पास में। तो आपको फिर पेमेंट करनी होती है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे EMI के थ्रू करो, चाहे UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू करो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं होती है। आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो आपको इतना पे करना है तो अबाउट 866 रुपीज पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है।
कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI या UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप ये ले सकते हैं। चलो निमेटोड स्टार्ट करते हैं। फैटी हेलमिंथस पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं पॉरीफेरेंस पढ़ा चुकी हूँ, निडेनियंस पढ़ा चुकी हूँ। तो पॉरीफेरम ने हमें पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे तुम्हारी मल्टी सेलुलर वाली कंडीशन हो रखी थी। उसके साथ साथ पॉरीफेरेंस में मैंने बताया कि वहाँ पे कोई भी सीलोम वाला कोई भी कंडीशन नहीं आई, ना एसीलोमेट, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आई है। प्लेटी हेलमेंथिस का मैंने बताया था कि तुम्हारे वहाँ पे क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी होती थी बिल्कुल फ्लैट होती थी। अब अगर मैं निमेटोड्स की बात करती हूँ, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है राउंड वॉर्म। तो बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर तुम्हारा राउंड वॉर्म लिखा आता है या निमेटोड्स लिखा आता है या फिर एस्केल्मिंथस लिखा आता है, तो बात तुम्हारी एक ही की हो रही है। इसको याद रखना, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि इन्हें राउंड वॉर्म बोला जाता है, तो तुम्हारे किसके बाद आ रहे हैं, फ्लैट वॉर्म्स के बाद में राउंड वॉर्म्स आ रहे हैं। पहले फ्लैट वॉर्म थे, उसके बाद राउंड वॉर्म आ गए। जब हम नेमेटोड्स की बात करते हैं, तो क्योंकि तुम्हारा पता है कि तुम्हें प्लेटी हेलमिंथस ने बताया था कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। ये रिवीजन के साथ में बता रही, कंपेयर करके साथ में बता रही, क्वेश्चन जो आता है कंपेयर करके आता है। वहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यहाँ पे भी चीजें ट्रिप्लोब्लास्टिक होने वाली है। तो मतलब जो पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक था वो फ्लैट वॉर्म था, ठीक है। उसके बाद जितने भी आने वाले हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होने हैं। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है बेटा, एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है तुम्हारी, एंडोडर्म प्रेजेंट होती है और मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। जब तीनों की तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, देन वी कॉल इट ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये याद रहना चाहिए। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगर मैं बात करती हूँ बहुत सारे जो फाइलम्स हैं, अगर टीनोफोर्स की बात करते हैं या फिर तुम्हारे इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, तब तुम्हारा रेडियली सिमेट्रिकल आता है। वरना अगर तुम्हारे चाहे फ्लैट फॉर्म के बाद में जितने भी बड़े बड़े तुम्हारे इवॉल्व जो फाइलम आने वाले हैं, सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल होने वाले हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जैसे ये माना मेरा राउंड फॉर्म था, ठीक है, राउंड फॉर्म था। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लीव करूंगी, ऐसे प्रॉपरली यहाँ से क्लीव करूंगी, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि एक साइज जो होती है नैरो हो जाती है, एक थोड़ी राउंडेड होती है, तो वो एक प्लेन से ही डिवाइड हो सकता है दो पार्ट में। अगर मैं बहुत प्लेन से काटने की कोशिश करूँ, इक्वली डिवाइड करूँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मैं सिर्फ एक प्लेन से इसको क्या कर सकती हूँ, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। इसलिए इसको बायलेटरल सिमेट्रिकल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ द बॉडी हैज अ कैविटी और अ सूडो सीलोम। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे क्वेश्चन जो है तुम्हारे 50% क्वेश्चन सिर्फ इसी पार्ट से आते हैं। देखो अगर मैं राउंड वर्म्स की बात करती हूँ, ठीक है, राउंड वर्म्स हैं तुम्हारे। राउंड वर्म्स में क्या होता है कि तुम्हारे पास ये गट कैविटी थी, ठीक है, ये गट कैविटी हो गई, ये बीच वाली। अब इस कैविटी को तुम्हारी एंडोडर्म ने लाइन किया हुआ है। उसके बाद जो मीजोडर्म प्रेजेंट है वो पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियली प्रेजेंट है, कम्प्लीटली उसको लाइंड नहीं करती है, ठीक, कम्प्लीटली उसको लाइन नहीं करती, पार्शियली प्रेजेंट होती है। जो हमें लगता है कि हाँ पूरा पूरा कर रखा है, लेकिन वो पार्शियली करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सूडो सीलोम। वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रॉपर सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इस कंडीशन को बोला जाता है सूडो सीलोम। तो याद रखना है, अगर मैं फ्लैट वर्म्स की बात करूँगी तो ए सीलोमेट होते हैं, और अगर निमेटोड्स की बात करती हूँ, राउंड वर्म की बात करती हूँ, तो ये सूडो सीलोम होते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे आधे क्वेश्चन इसी पार्ट से आ जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए जो निमेटोड्स हैं, जो राउंड वर्म है, वो सूडो सीलोमेट होते हैं। नाउ द एलिमेंट्री कैनाल इज डिस्टिंक्ट विद अ माउथ एंड एनस। तो इनकी जो एलिमेंट्री किनार है अब डिस्टिंक्ट हो चुकी है, माउथ और एनस तुम्हारे अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है, माउथ और एनस तुम्हारे अलग अलग हो चुके हैं। देन सेक्सुअली डायमॉर्फिक, ये भी इंपॉर्टेंट एक फीचर है। देखो सॉरी, सेक्सुअली डायमॉर्फिक का मतलब होता है कि तो मतलब जो मेल है और फीमेल है, दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मेल है वही तुम्हें फीमेल लग रहा हो, नहीं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक है मतलब अलग अलग तुम्हें दिखने वाले हैं। अभी हम आगे पूरा डिटेल में इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो डोंट वरी। दे आर लिव फ्री लिविंग और पैरासिटिक, मतलब ये हो सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ जो है फ्री लिविंगली जिए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और हो सकता है ये पैरासिटिक वाले फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जैसे तुम्हारी फ्लैट वर्म्स में थी कि वहाँ पे फ्री लिविंग था और पैरासिटिक कंडीशन थी, वैसे यहाँ पे भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक वाली कंडीशन दोनों सर्वाइव करती हैं।
पैरासिटिक निमेटोड्स कॉजेज अ डिजीज इन द होस्ट, तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे कौन कौन से तुम्हारे जो जो पैरासिटिक निमेटोड्स हैं यहाँ पे डिजीज कॉज कर सकते हैं और कौन से तुम्हारे पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम सब पढ़ने वाले हैं. नाउ फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ को याद रखना कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं. तो जो फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे इंटरनल है एंड रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल बेसिस पे होता है. देर क्यूटिकल मोल्ड्स पीरियोडिकली, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो मोल्टिंग है बेसिकली मोल्टिंग कब होती है, जब उसको किसी लार्वे से किसी एडल्ट फॉर्म में आना होता है तब तुम्हारी मोल्टिंग होती है. तो उसकी जो क्यूटिकल है जो आउटर कवरिंग है वो मोल्ट हो जाती है, एक न्यू कवरिंग उसकी बॉडी पे आ जाती है. तो मोल्टिंग यहाँ पे पीरियोडिकली होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना दे कंसिस्ट ऑफ कीमोसेंसरी ऑर्गन कॉल्ड एफिड्स सिचुएटेड ऑन द लिप्स. देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी. तो देखो माना मैंने ये तुम्हारे उसके लिप्स से किसके तुम्हारे निमेटोड्स के, तो इसके ऊपर क्या होता है एफिड्स प्रेजेंट होते हैं. एफिड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक तुम्हारे कीमोसेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं और ये लिप्स पे सिचुएटेड होते हैं. तो एफिड्स का नाम याद रखना है, और ये एफिड्स तुम्हारा कोई इंसेक्ट नहीं है, वो तुम्हारे कीमोसेंसरी ऑर्गन का नाम है. यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सीडो सीलो में इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली डायमॉर्फिक वाली स्टेज इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहना चाहिए इस चीज का. इन मेनी मरीन निमेटोड्स वन और टू यूनिसेलुलर रेनेट ग्लैंड एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू अ पोर ऑन द अंडर साइड ऑफ द एनिमल क्लोज टू द फेरिंग्स. देखो यहाँ पे जो निमेटोड्स में अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हारी रेनेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर रेनेट सेल जिन्हें बोला जाता है. ये जो ग्लैंड्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, और एक इंपॉर्टेंट फीचर है अगर मैं निमेटोड्स की बात करती हूँ. तो देखो इन रेनेट सेल को तुम्हें क्या बोला जाता है, इन रेनेट सेल्स को बोला जाता है एच शेप्ड सेल्स भी बोला जाता है. तुम्हें दिख रहा होगा ये प्रॉपर तुम्हारा एच शेप्ड बन रहा है, ठीक है, एच शेप्ड बनना है. इसलिए अगर कभी क्वेश्चन में एच शेप्ड लिख दिया जाता है और तुम्हारा रेनेट सेल नहीं लिख दिया जाता तो एच शेप्ड का ध्यान रखना है. ये तुम्हारी रेनेट सेल की बात हो रही है, मतलब निमेटोड्स की बात हो रही है, मतलब राउंड वर्म्स की बात हो रही है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है तुम्हारे, जैसे ये तुम्हारे स्मॉलर ये एंटीरियर केनाल हो गई, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल डक्ट हो गई, और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये सारी चीजें यहाँ पे बाहर निकल जाती हैं. तो ये चीज याद रखनी है, तुम्हारा रेनेट सेल होगा एच शेप्ड, तुम्हारे फॉर्मेशन होने वाले हैं, और बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया पे ये आपस में कंबाइन करते हैं. नेटवर्क ऑफ ट्रांसवर्स केनाल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. तो ये सारा का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे CSI में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है. तो रेनेट सेल जो है तुम्हारी एस्केरिस में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे तुम्हारी एक पोस्टीरियर केनाल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी एंटीरियर केनाल प्रेजेंट है, और बीच में तुम्हारा नेटवर्क ऑफ ट्रांसवर्स केनाल्स प्रेजेंट है, और एक एंड पे तुम्हारा एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है. ये तुम्हें बस पता होना चाहिए, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है. नाउ निमेटोड्स आर द कॉमन इनहेबिटेंट ऑफ मोस्ट वाटर बॉडीज एंड आर अबंडेंट इन मोस्ट सॉइल. तो ये बहुत सारी वाटर बॉडीज में इनहेबिटेंट होते हैं, सॉइल्स में पाए जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ इनकी जो बॉडी होती है उस पर क्या होता है बेटा, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. जैसे मैंने बताया मोल्टिंग करते हैं, वो क्यूटिकल को रिमूव कर देते हैं, नई क्यूटिकल आ जाती है, तो क्यूटिकल से कंपोज होते हैं और वहां पर मोल्टिंग भी पॉसिबल हो पाती है, ठीक है. उसके साथ साथ दे आर कवर्ड विद एन अ थिन बॉडी वॉल कंपोज ऑफ द क्यूटिकल एपिडर्मिस एंड द मसल्स. बहुत सारी मसल्स होती हैं, लेटरल मसल्स हो गई, सर्कुलर मसल्स हो गई, जो क्या करती हैं तुम्हारे उसके मूवमेंट में भी काम आती हैं, ठीक है, मूवमेंट में भी काम आने वाली हैं. अब इतना मूवमेंट तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे MSc जोलॉजी के लिए तो तुम्हें वहां से प्रिपेयर करना होता, लेकिन अभी CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है. तो फालतू में अभी तुम्हारा एग्जाम भी आने वाला है, तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती, क्योंकि वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हें याद भी इतना नहीं रहेगा. जो याद करने वाली चीजें हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती हैं उसी हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ. अब इम्पोर्टेंट क्या है, एस्केरियासिस, ठीक है. एस्केरियासिस बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ निमेटोड्स के, तो वो कौन सा होता है, एस्केरिस जो होता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. ये जो एस्केरिस है बेसिकली ये क्या करता है तुम्हारा, इसमें मेल और फीमेल का जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तुम्हें प्रॉपरली देखने को मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. तो हम अभी डिजीज पे बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है. तो अगर मैं तुम्हें दिखाती हूँ फिगर, ये तुम्हारा मेल है,
छोटा सा मेल है तुम्हारा, और यहाँ पे पीनियल सीटे प्रेजेंट है, ठीक है, पीनियल सीटे प्रेजेंट है तुम्हारा, ये माउथ वाला पार्ट हो गया तुम्हारा, ये एक्सक्रीटरी पोर हो गया, उसके बाद तुम्हारी लेटरल लाइन हो चुकी है, तो ये तुम्हारा हो गया है मेल, ये छोटा मेल है। फीमेल पे आते हैं, ये तुम्हारी फीमेल है, काफी बड़ी लग रही है तुम्हें, ये माउथ हो गया उसका, उसका भी एक्सक्रीटरी पोर हो चुका है, ये लेटरल लाइन हो चुकी है, यहाँ पे तुम्हारा एनस वाला पार्ट हो गया, लेकिन तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि मेल वाला जो ऐसे टर्न करके ऐसे करके आ रहा है, प्रॉपरली कर्व्ड होके आ रहा है, ठीक है, लेकिन फीमेल का इतना कुछ नहीं है, उनका नॉर्मली स्ट्रेट तुम्हें दिख रहा होगा, तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, तो ये डिफरेंस इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो पहला आता है मेल, ठीक है, मेल जो होती है बॉडी उसकी स्मॉलर होती है, अभी तुमने देखा कि जो बॉडी है वो काफी स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द फीमेल, तो यहाँ पे बॉडी जो होगी फीमेल की लार्जर होने वाली है, तो इसको याद रखना, जो फीमेल होगी वहाँ पे बड़ी होती है, ठीक है, और जो मेल होते हैं वो छोटे मेल होते हैं। टेल एंड कर्व्ड, अभी दिखाया मैंने कि जो टेल एंड होता है वो प्रॉपरली ऐसे करके कर्व्ड है उसका, मेल का ऐसे करके कर्व्ड है, दिखाया मैंने अभी तुम्हें, लेकिन जो फीमेल का है प्रॉपरली यहाँ पे स्ट्रेट वाली कंडीशन दिख रही है, कोई भी कर्व यहाँ पे नहीं दिखता है, तो फीमेल की कंपैरेटिवली स्ट्रेट होती है, और जो मेल होता है उसकी जो टेल एंड होता है वो कर्व्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, यहाँ से इसको डिफरेंस करने को आ जाता है कभी कभी, इसको याद रखना है। अ पेयर ऑफ निडल लाइक पीनियल सीटे इन द क्लोएका, तो मैंने बताया यहाँ पे कि तुम्हारे पीनियल सीटे प्रेजेंट होते हैं क्लोएका के टाइम पे, देखिए फीमेल में तुम्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना है कि पीनियल सीटे जो है वो तुम्हारी मेल में प्रेजेंट है, ए पेयर ऑफ निडल लाइक स्ट्रक्चर जो क्लोएका के पास में है, लेकिन अगर फीमेल की बात करती हूँ, क्योंकि जो मेल का जो एनल और जेनाइटल पेपिला है, एनल वाला पार्ट और जेनाइटल पेपिला वाला पार्ट बिल्कुल एक साथ है, सेपरेट नहीं है, एक साथ है, लेकिन अगर फीमेल में आएंगे तो उनका एनल वाला पार्ट और जेनाइटल पोर वाला पार्ट सेपरेट होते हैं, तो उनमें कोई भी ऐसे सीट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ध्यान में रखना है। नाउ दीज पेपिले जो तुम्हारे इसमें मेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो कॉपुलेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा कोई भी पेपिला नहीं होता है, उनमें सिर्फ पोर प्रेजेंट होगा, और इनमें पेपिला प्रेजेंट होगा विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉपुलेशन, और एनल और जेनाइटल पोर इसमें क्या होंगे, सेपरेट होंगे, जबकि इसमें एक साथ होते हैं, एक साथ होंगे, और पीनियल सीटे प्रेजेंट होंगे मेल्स में, टेल एंड जो होगा कर्व होगा, जबकि इनमें स्ट्रेट होने वाला है, जो बॉडी होगी स्मॉल होगी इसमें लार्जर होने वाली है, इस चीज को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कभी बार पूछ लिया जाता है। तो अभी जो एस्केरिस होते हैं, अभी क्या डिजीज कॉज करते हैं, एस्केरियासिस, ठीक है, ये डिजीज कॉज करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर तुमसे कभी पूछा जाता है कि राउंड वर्म की कौन सी स्पीशीज है जो तुम्हारा एस्केरियस कर सकती है, या फिर कोई भी डिजीज कॉज कर सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडस तो याद ही रखना है तुम्हें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें पूछ लिया जाता है। तो एक बार एस्केरिस देख लेते हैं, आई थिंक मैं हाइड नहीं कर पाऊंगी, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर देती हूँ, वरना तुम्हें फिर देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ठीक है, हाँ, क्योंकि जब रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं तो तुम्हारी क्या बोलते हैं वो हाइड नहीं हो पाती है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जैसे तुमने माना पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ, और इसको समझते जाना कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। तुम्हारा एग्स जो थे तुम्हारे फीसिस के थ्रू बाहर निकल गए, माना कि सॉइल में तुम्हारे फीसिस के थ्रू क्या आ गए, एग्स यहाँ पे आ गए, ये तुम्हारे एग्स है सॉइल में आ चुके हैं। अब क्या होगा, तुम्हारा जैसे ही वो सॉइल में आएंगे, वो जो लार्वे होंगे, क्योंकि फीसिस एग्स प्रेजेंट है, ये एग क्या करेंगे, बेसिकली जो लार्वे होते हैं यहाँ पे उनका मोल्टिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला मोल्ट होता है, मतलब जो बड़ा होने की तरफ में जो पहला मोल्ट होता है वो तुम्हारा सॉइल वाली कंडीशन में होता है, इस चीज को याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे फीसिस के थ्रू निकले तुम्हारे एग्स निकले, अब उनमें मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग हो जाएगी, पहली मोल्टिंग कहाँ पे हुई है, सॉइल में तुम्हारी मोल्टिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इस मोल्टिंग के बाद में एक लार्वा फॉर्म होता है, जो एक इन्फेक्टिव स्टेज की तरह काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल के मोल्टिंग के बाद में जो लार्वा फॉर्म होता है वो एक इन्फेक्टिव स्टेज की तरह काम करता है, और जैसे ह्यूमन है बेसिकली, कोई भी तुम्हारा फूड आया है या वाटर आया, कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लिया, या फिर वाटर जहाँ पे बहुत कंटेमिनेशन था वो पी लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन जो है उसको चला जाता है, तो ये लार्वा क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाता है, इन्फेक्टिव स्टेज है, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। अब मैन के अंदर आ चुका है, मैन के अंदर उसकी जो फेवरेट जगह है वो कौन सी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत फेवरेट जगह है इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे खाने के साथ में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया।
वहां से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू तुम्हारे लिवर में एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर वाटर सॉरी ब्लड के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है बेटा, और लंग्स में जाने के बाद में वो बहुत बड़ा बनने की कोशिश करता है और मोल्टिंग करता है 2 बार, मोल्ट ट्वाइस, 2 बार मोल्ट करेगा। यहाँ पे L2 लार्वा था, यहाँ पे L4 लावा बन चुका है, मतलब काफी बड़ा लावा बन चुका है तुम्हारा। उसके साथ क्योंकि लंग्स में था, लंग्स के ऊपर किस में आएगा, ट्रेकिया में आएगा, ट्रेकिया के साथ में फेरिंग्स में आएगा, और फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में आ जाएगा, और फिर से वो स्टमक में चला जाएगा, और स्टमक में जाने के बाद वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही उसका फिर से मोल्टिंग हो जाता है और वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फीमेल और मेल यहाँ पे बन जाएंगे, फीमेल और मेल यहाँ पे बन जाएंगे, दोनों का कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन होने के बाद में तुम्हारे एग का प्रोडक्शन होगा, और ये जो एग होंगे तुम्हारे किस में चले जाएंगे, फीसिस के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो एक बार मैं इसको समझा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ह्यूमन था, ठीक है, ह्यूमन था, उसने फीसिस यहाँ पे करे, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हारे एग जो है यहाँ पे रिलीज हो गए, बाहर रिलीज हो गए तुम्हारे एग। एग जैसे रिलीज होंगे वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, सॉइल के कांटेक्ट में आते ही लार्वा जो है तुम्हारे की मोल्टिंग हो जाती है। तो पहला जो मोल्ट होता है वो तुम्हारे सॉइल वाली कंडीशन में होता है, और तुम्हारा लार्वा जो बनना है वो इन्फेक्टिव स्टेज वाला लार्वा होता है जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी ह्यूमन था, ठीक है, उसको क्या हुआ, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, उसने क्या करा, जो गंदा गंदा खाना था जिसमें ये तुम्हारे इसके लार्वे पड़े हुए थे उसको उसने खा लिया, फिर पी लिया, ठीक है। जैसे खा लिया पी लिया उसने, तो वो जो लार्वा होते हैं बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, वो क्या करेंगे, तुम्हारे माउथ के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू, स्टमक के थ्रू कहाँ पे चले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते ही उन्हें पता है कि कहाँ जाना है, उन्हें लंग्स में जाना है। तो वो क्या करते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू तुम्हारे लिवर में पहुंचेंगे, और लिवर के थ्रू तुम्हारे कहाँ पे जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। लंग्स में जैसे जाते हैं तुम्हारे 2 बार मोल्टिंग होगा, लंग्स में 2 बार मोल्टिंग होगा, और तुम्हारे L4 लावा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। लंग्स में गए, और लंग्स से अब उल्टा ऊपर आएंगे, ट्रेकिया में आएंगे बेटा, फेरिंग्स में आएंगे, फिर किस में एंटर कर जाएंगे, ईसोफेगस में एंटर कर जाएंगे, फूड पाइप में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे ईसोफेगस में आ गए, स्टमक में जाएंगे वहां से, तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर से मोल्टिंग करेंगे, और तुम्हारा मेल और फीमेल यहाँ पे फिर से फॉर्म कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लावा बन चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेल और फीमेल दोनों के दोनों एडल्ट फॉर्म यहाँ पे बन जाएंगे, और आपस में क्या करेंगे, कोपिलेशन करेंगे, और कोपिलेशन जैसे करेंगे तुम्हारे एग को यहाँ पे ले कर देंगे, और ये एग्स क्या होंगे, तुम्हारे फीसिस के थ्रू रिमूव हो जाएंगे, और ये साइकिल जो है तुम्हारी ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो ये होता है एस्कैरियासिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 मोल्ट हुआ है तुम्हारा, लंग्स में 2 मोल्ट हुए हैं, और तुम्हारे सॉइल में 1 मोल्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यहाँ से इक्वेशन बेटा पूछा जाता है, ध्यान में रखना है इस चीज को। अब आते हैं कुछ और डिजीजेस जो तुम्हारे काफी क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, तो मैं एक बार छोटा कर देती हूँ वरना तुम्हें फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था कि फिर तुम लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, आई होप अब दिख जाएगा तुम लोगों को। चलो सो कुछ और डिजीजेस देख लेते हैं जो तुम्हारे क्वेश्चंस में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, पिनवॉर्म डिजीज है एक, ठीक है। पिनवॉर्म डिजीज जो होता है वो कौन करता है, एंटरोबियम वर्मिक्यूलरिस। तो वर्मिक्यूलरिस से पता चल रहा होगा एक ऐसा वॉर्म है जो तुम्हारा पिन वॉर्म बहुत पतला है और पिन की तरह चुभता है। तो एंटरोबियम जो वर्मिक्यूलरिस है ये तुम्हारा पिन वॉर्म डिजीज है, और एंटरोबियम, एंटरोबिट्टा मतलब ही क्या होता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। तो मतलब ये तुम्हारी बॉडी में जाके इंटेस्टाइन में अफेक्ट करने वाला है। तो ये या फिर तो कॉन्टेक्ट के थ्रू आ सकता है कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हो जाए, या फिर फूड के थ्रू आ सकता है, खाने के थ्रू आ सकता है, और ये किसको इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन वाले पार्ट को यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इस चीज को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो पिनवॉर्म जो डिजीज है वर्मिकुलरिस से याद रखोगे आई होप, क्योंकि वर्मिकुलरिस मतलब होता है एक छोटा सा, एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, और एंटरोबियम का मतलब क्या होगा, इंटेस्टाइन को जो इफेक्ट करने वाला है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पिनवॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है विप वॉर्म डिजीज, ठीक है। विप वॉर्म डिजीज जो होता है वो तुम्हारा करता है ट्राइक्यूरिस एंड ट्राइक्यूरिया, ठीक है। ये ट्राइक्यूरिस और ट्राइक्यूरिया जो होता है तुम्हारा विप वॉर्म डिजीज कॉज करेगा, और फूड और वाटर की जो कॉन्टेमिनेशन होता है उसके थ्रू आ सकता है, और ये भी तुम्हारे इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बताती जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं तो ध्यान में रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है।
राउंड वर्म डिजीज अभी बता चुकी हूँ, अगर राउंड वर्म डिजीज आता है विट्टा डर के लिखा हुआ ध्यान रखना है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की बात हो रही है, ये तुम्हारी एस्केरिसिस कॉज कर रहा है, जो तुम्हें अभी मैंने पूरा समझाया है कि चाहे तुम गंदा पानी पी लो, चाहे तुम गंदा पानी खाना खा लो, या फिर कॉन्टेक्ट में आ जाओ डायरेक्टली उसके, तो आपके इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, घूम फिर के तुम्हारे इंटेस्टाइन में ही वो रह जाता है, मेल और फीमेल प्रॉपरली रिजाइड करने लग जाते हैं इंटेस्टाइन में, और एग को प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान में रखना। देखो हुकवॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, तो हुकवॉर्म जो होता है तुम्हारा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, तो तुम्हारा ड्यूडेनम में की बात हो रही है, तो मतलब इंटेस्टाइन की बात हो रही है, और बेसिकली जो हुकवॉर्म होता है तुम्हारा कॉन्टेक्ट विद द वेजिटेशन, जब तुम कॉन्टामिनेटेड फूड खाते हो, जैसे कोई भी तुमने सब्जी लेके आया, उसको गर्म प्रॉपरली करके नहीं खाया, उसको देख के नहीं खाया, उसको धुल के नहीं खाया, तो तुम मगर डायरेक्टली उसको यू नो स्वेलो कर लेते हो, तो उस टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान से खाया करो सब चीज़ों को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ये इंटेस्टाइन में तुम्हारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लिम्फ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हुक वॉर्म का मतलब क्या है कि हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, एक इन्फेक्टिव स्टेज बना लेता है वेजिटेशन के साथ में, ऐसे हुक की तरह वहाँ पे अटैच हो जाएगा, और तुम्हारे जब जैसे तुम खाओगे इंगल्फ कर लोगे उस चीज़ को, उसके बाद तुम्हारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लिम्फ में क्रिएट करेगा। तो ये कौन करता है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखो आई वॉर्म डिजीज जो है तुम्हारे यहाँ पे आईसीएमआर में पूछने जाने के चांसेस हैं, और ये आई वॉर्म बहुत लोअ लोअ, आई थिंक अफ्रीका के बहुत सारे काने ऐसे होते हैं लोअ लोअ करके, तो आई वॉर्म डिजीज को ऐसे याद रखो, आई वॉर्म जो होती है लोअ लोअ होता है, कि हॉर्स फ्लाइज हो गई, तुम्हारे डियर फ्लाइज जो हो गई, ये बेसिकली अफेक्ट करती हैं इसको, और आई को तुम्हारे ऐसे सूज जाती है पूरी की पूरी, तो जो लोअ लोअ है वो आई वॉर्म डिजीज है, याद रखना। आई थिंक फिलेरियासिस सबको पता होगी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो होता है ये तुम्हारा फिलेरियासिस कॉज करता है, और ये तुम्हारे मॉस्किटो के काटने से होती है, बेसिकली जो होता है बहुत सारे मॉस्किटोज हो सकते हैं, चाहे एलेक्स हो, क्यूलेक्स हो तुम्हारा, और एनोफिलीज हो, लेकिन जो मेस्टली सॉरी जो मोस्टली अफेक्ट करता है वो फीमेल का जो क्यूलेक्स वाला पार्ट है, सॉरी फीमेल क्यूलेक्स जो है वो यहाँ पे ये डिजीज कॉज करने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको याद रखना है। और तुम्हारी लिम्फ वेसल जो होती हैं पूरी की पूरी ऐसे फूल जाती हैं, तो ध्यान में रखना लिम्फ वेसल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई है, ठीक है, लिम्फ जो वेसल्स हैं वो यहाँ पे अफेक्टेड हो रखी हैं, और जो फीमेल क्यूलेक्स है बेसिकली यहाँ पे वो ज्यादा अफेक्ट करता है, नॉर्मली तुम्हारे एडीज भी कर सकता है, लेकिन फीमेल क्यूलेक्स जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये अफेक्ट करता है, फिलेरियासिस कॉज कर सकता है। तो देखो ये है तुम्हारा राउंड वर्म, देखो टेप वर्म की जैसे मैंने तुम्हें वो नेक्स्ट टाइम बताया था, तुम्हारा टीनिया सोलियम जो बताया था कि उसमें प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन तुम्हें लगता है कि सेगमेंटेशन है, लेकिन वो कैसा होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन होता है बेटा, ये कौन सा वाला पार्ट है, फ्लैट वर्म का पार्ट है, प्लेटीहेलमिंथस का पार्ट है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, प्लेटीहेलमिंथस नहीं बता रही हूँ मैं भी, अभी कौन सा बता रही हूँ, राउंड वर्म बता रही हूँ, जो तुम्हारा क्या है, निमेटोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुक वर्म मैंने बताया तुम्हें, ये हुक वर्म हो गया, ये तुम्हारा विप वर्म हो गया, तो ये सारे के सारे तुम्हारे वर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इंटेस्टाइन में ऐसे प्रॉपरली यहाँ पे रिजाइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे रिजाइड कर जाते हैं तुम्हारे रेक्टम वाले पार्ट में, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, तो काफी रिजाइड करते हैं, तो ध्यान में रखना है इस चीज को। नाउ वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई इज अ ह्यूमन पैरासाइट वर्म विच वी कॉल्ड फिलेरी वर्म, दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस, तो बहुत ज्यादा मेजर कॉज है, अगर मैं वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई की बात करती हूँ, देखिए ह्यूमन पैरासिटिक वर्म है, दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ द लिम्फेटिक फिलेरियासिस, तो दो लाइफ साइकिल जो होती हैं दो होस्ट में होती हैं, डायजेनेटिक होस्ट होता है जो ह्यूमन है, वो तुम्हारा एक डेफिनेटिव होस्ट है, जबकि जो मॉस्क्यूटो है जो तुम्हारा फीमेल क्यूलेक्स जो होता है बेसिकली वो तुम्हारा इंटरमीडिएट होस्ट होता है, तो ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और अगर मैं इसी से एग्जाम्पल दूँ तुम्हें मलेरिया वाला, ये प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है, मलेरिया वाला, तो यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मॉस्किटो ध्यान रखना, यहाँ पे क्यूलेक्स की बात हो रही है और फीमेल एनोफिलीज की बात होगी तो मलेरिया में काम आने वाला है, ये डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं एक बार फिलेरियासिस को देख लेते हैं, वैसे ये मैंने तुम्हें नॉर्मली समझाने के लिए यहाँ पे बता दी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, तो एक बार देख लेते हैं। अब मॉस्किटो ने क्या करा कि तुम सो रहे थे, ठीक है, तुम सो रहे थे तो तुमने क्या करा, उसने तो क्या कर लिया, खून पी लिया तुम्हारा, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, ले लिया उसने, और उसने अपने जो तुम्हारे लार्वा है उसके पास थे उसके सारे के सारे तुम्हारे यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है, इन्फेक्शन जो स्टेज था तुम्हारा, इन्फेक्टिव स्टेज था वो लार्वे का यहाँ पे छोड़ दिया है। अब क्या हुआ, उसके पास मेल था और फीमेल था, ये ह्यूमन ह्यूमन वाली स्टेज है,
अब मेल और फीमेल तुम्हारे दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये जो एडल्ट्स हैं बेसिकली तुम्हारे लिम्फ वेसल को अफेक्ट करते हैं, तो लिम्फेटिक्स में ये वहां पे आ जाएंगे। आगे आने के बाद में एडल्ट प्रोड्यूस अ शीत माइक्रोफिलेरे, ये क्या है बेटा, लार्वा है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। माइक्रोफिलेरे एक लार्वा है जो ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट माइग्रेट इनटू द लिम्फ। तो ये जो लार्वे हैं मेल और फीमेल माइक्रोफिलेरे जिन्हें बोला जाता है, ये माइग्रेट कर जाते हैं लिम्फ में एंड ब्लड चैनल्स में। आ गए तुम्हारे, अब आने के बाद में क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ पे ब्लड में या फिर लिम्फ उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही मॉस्किटो क्या करता है तुम्हें दोबारा से काटता है, दोबारा से काटेगा, ये जो माइक्रोफिलेरे हैं वो तुम्हारे किस में चले जाएंगे, अब तुम्हारे मॉस्किटो में चले जाएंगे, जैसे फीमेल क्यूलेक्स में चले गए। वो वहां पे क्या करते हैं, शेड शीत पेनिट्रेट द मॉस्किटोज मिड गट एंड माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल्स। तो वो क्या करते हैं तुम्हारे उसके क्या बोलते हैं मॉस्किटो के मिड गट से माइग्रेट होने के बाद में थोरेसिक मसल्स में चले जाते हैं। याद रखना है कहाँ पे चले गए हैं, थोरेसिक मसल्स में चले गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो लार्वे हैं वो तुम्हारी मोल्टिंग होती है, L1 लावा बनता है, L3 लावा बनता है, इतना तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेट करते हैं टू द हेड एंड द मॉस्किटोज प्रोबोसेस। बेटा ये दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कि वो माइग्रेट करेंगे तुम्हारे मॉस्किटो के हेड वाले रीजन में और प्रोबोसिस वाले रीजन में, जो आगे वाला रीजन होता है प्रोबोसिस वाले रीजन में वो फिर से तुम्हें काटेगा, क्योंकि उसके प्रोबोसिस वाले, जैसे कि माना उसका प्रोबोसिस वाला रीजन था यहाँ पे तुम्हारे लार्वे प्रेजेंट थे, ठीक है, तो प्रोबोसिस वाले रीजन में इसके प्रेजेंट थे। तो जैसे वो तुम्हें काटेगा, यहाँ से काटेगा कि यहाँ से तुम्हें क्या करेगा, उसके मेल और फीमेल को ट्रांसफर कर देगा, मेल और फीमेल को ट्रांसफर करेगा, तुम्हारे एडल्ट जो होंगे लिम्फेटिक्स में जाएंगे, माइक्रोफिलेरे जो लावा है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये जो तुम्हारे लिम्फ चैनल के थ्रू ब्लड चैनल्स में रहेंगे, फिर से मॉस्किटो आएगा तुम्हें काटेगा, काटने के बाद में वो जो लार्वे हैं बेसिकली उसके अंदर चले जाएंगे, तुम्हारा थोरेसिक गट में जाएंगे, और जाने के बाद में मोल्टिंग होगी प्रॉपरली, यहाँ पे फिर से क्या बन जाएंगे तुम्हारा मेल और फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से वो तुम्हें प्रोबोसिस के थ्रू ट्रांसफर कर जाएगा। तो याद तुम्हें क्या रखना है, बेसिकली इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। एक तो लावा याद रखना है, लावा कौन सा है बेटा, माइक्रोफिलेरे लावा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। किसको अफेक्ट कर रहे हैं, लिम्फ वेसल को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू आ रहे हैं, प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो ये इंपॉर्टेंट है, लिम्फ वेसल में कॉज कर रहे हैं, माइक्रोफिलेरे हैं, ये याद रखना। फीमेल जो क्यूलेक्स है मोस्टली ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल होती है डिजीज के लिए, तो अगर तुम्हें ये पूरी साइकिल भी याद नहीं रहती है ना, तो मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए बताया भी नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसके क्वेश्चन पेपर में आने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सॉरी पॉइंट हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से, तो अगर आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, इससे ज्यादा इस पूरी पूरी जो स्लाइड साइकिल है इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये मेन मेन चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नाउ रूट नोड निमेटोड्स, तो एक ये तुम्हारे प्लांट्स में भी डिजीज होती है, जो मेलेडोगाइनस स्पीशीज होती है वो उसको कॉज करती है, मेलेडोगाइनस स्पीशीज दे पैरासाइटाइज ऑलमोस्ट एवरी स्पीशीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। अब वेस्कुलर प्लांट में पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिसमें तुम्हारा जाइलम प्रेजेंट होता है और तुम्हारा फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो प्रिमिटिव जाइलम जो होता है तुम्हारा टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं, याद रखना। नाउ द वर्निकुलर नेम्स कम फ्रॉम द गॉल्स which we called root knots induced by the melidogyne on the root of the host plant. तो इसमें melidogyne incognita भी होती है, तो ये याद रखना, root knot nematodes भी होते हैं, जो तुम्हारे melidogyne species जो होती है वो responsible होती है, इसको याद रखना। Now this is your first question कि जो Ascaris है basically, तो यहाँ से question काफी बार पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से question आएगा कि नहीं आएगा। Try करो, 30 seconds है तुम्हारे पास। और अगर तुम्हें निमेटोड्स यहाँ पे समझ में आ गया हो तो प्लेट एक बार, जितने भी मैंने फाइलम कराए ना, एक बार रिवाइज कर लेना उनको। मैं एक जो लास्ट क्लास होगी तुम्हारे एग्जाम से पहले, वहाँ पे मैं सब रिवाइज कराऊंगी क्वेश्चंस के थ्रू, तो मैं यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग के थ्रू सब रिवाइज कराने वाली हूँ, बट फिर भी तुम एक बार रिवाइज करते चलोगे तो मैं सारी चीज़ें कवर होती आएंगी। चलो एक बार ये देख लेते हैं।
देखो, एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिस्म। बेटा, अगर ट्रू सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट होती तो सूडो सीलोम नहीं होता। पहली बात तो ये, सूडो सीलोम होते हैं तो मेटामेरिस्म यहाँ पे सेगमेंटेशन तुमने देखने को मिला नहीं मिला। तो मैं स्यूडो मेटामेरिज्म जो दिखा था वो तुम्हें दिखा था टेप वॉर्म में, और यहाँ पे कोई भी मेटामेरिज्म अच्छे से नहीं आया है। तो ट्रू मेटामेरिज्म का तो बेटा नाम ही नहीं आता यहाँ पे, तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम, तो ये वाला भी गलत हो गया। ट्रू सीलोम तो बिल्कुल भी अभी नहीं आया है, तो ये बिल्कुल गलत है। एब्सेंस ऑफ द ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, तो ना तो यहाँ पे ट्रू सीलोम होता है ना ट्रू मेटामेरिज्म होता है, तो कुछ भी यहाँ पे ट्रू वाला नहीं होता है। यहाँ पे सूडो सीलोम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। और ट्रू मेटामेरिज्म भी नहीं होगा, तो जो आंसर होगा सी विल बी राइट आंसर। एब्सेंस ऑफ द ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, अगर मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है लेकिन वो भी ट्रू तरीके से नहीं होता है, तो वैसे भी नॉमिनी तुम्हें नहीं देखने को मिलता है, तो एब्सेंस होगा इसका। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड से तुम लोगों के पास में, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। तो जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने जैसे बताया तुम्हें, नॉर्मली कंपैरिजन फॉर्म में आते हैं कि निमेटोड को कंपेयर करो एनिडिड्स के साथ में, फ्लैटवर्म को कंपेयर करो मोलस्क के साथ में। तो कंपैरिजन में क्वेश्चन आते हैं, कभी अकेला अकेला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब नहीं आएगा। क्वेश्चन ये होता है कि तुम्हें पूरा कंपैरिजन में दिया जाएगा, करेक्ट एंड इनकरेक्ट पूछा जाएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन होंगे लास्ट में डिस्कस करेंगे जब ये पूरी पूरे फाइल में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल अभी तुम इसे ट्राई करो। चलो तो मैं कराती थी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ निमेटोड वॉर्म फ्रॉम एन एनिलीड वॉर्म। तुम्हारा टाइम हो चुका है वैसे। देखो, अगर निमेटोड के वॉर्म की बात करती हूँ, और तुम्हें मैंने अभी एनिलीड वॉर्म नहीं पढ़ा है, तो तब भी मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है कि जब मैं एनिलीड्स कराऊंगी तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी, जब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। देखो, टाइप ऑफ द बॉडी कैविटी, ऑब्वियसली अगर एनिलीड्स की बात करती हूँ तो तुम्हारा थोड़ा क्या हो चुका है, एडवांस हो चुका है। अगर तुम्हें वैसे भी आइडिया नहीं है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लेटिहेलमिंथस होते हैं वो एसीलोमेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है तुम्हारे एस्केलमेंथिस या फिर राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। उसके बाद जो भी आते हैं, एनिलीड्स आएगा, ऑर्थोपोड्स आएगा, मोलस्क आएगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। उनमें और अलग तरह का डिवीजन है, वो अलग तरह का डिवीजन है, लेकिन ये सीलोमेट्स होते हैं। तो टाइप ऑफ द बॉडी कैविटी तो ये डिस्टिंग्विश करता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ द मसल लेयर इन द बॉडी वॉल, तो बेटा ये डिफरेंस होता है, क्योंकि जो एनिलीड का वॉर्म होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मसल्स होते हैं जो उसको मूवमेंट में काम करती हैं, और निमेटोड्स में अलग अलग तुम्हारी मसल लेयर होती हैं, तो ये तुम्हारा डिफरेंस होता है। वेरी टू, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन, जो तुम्हारा एनिलीड वॉर्म होता है उसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है बेटा, बहुत अच्छे से यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश करता है। तो इसके बेसिस पे ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आंसर ये हो सकता है या फिर ये वाला तुम्हारा आंसर हो सकता है। नाउ नंबर ऑफ द एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर, नहीं बेटा, या इसके बेसिस पे तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है, निमेटोड्स में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एनिलीड्स में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसके बेसिस पे तुम नहीं अलग कर सकते हो। शेप ऑफ द वॉर्म इन अ क्रॉस सेक्शनल व्यू, देखो अगर तुम अर्थ वॉर्म को देखोगे और निमेटोड्स के किसी वॉर्म को देखोगे, उसका क्रॉस सेक्शन व्यू लोगे ना, तो बिल्कुल सेम सेम दिखता है, तो इसमें कुछ अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि तीनों लेयर हैं तुम्हारी, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो जो सी होगा विल बी राइट आंसर। इसको जब निमेटोड्स कराऊंगी, सॉरी जब एनिलीड्स कराऊंगी, तो उसके बेसिस पे भी देखना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, व्हाट डिस्टिंग्विश अ सीलोमेट एनिमल फ्रॉम द सूडो सीलोमेट एनिमल इज दैट सीलोमेट्स। तो इसमें बोला गया है सीलोमेट और सूडो सीलोमेट में क्या डिफरेंस होता है, कि जो सीलोमेट में प्रेजेंट हो और सूडो सीलोमेट में ना हो। नाउ सीलोमेट्स हैव अ बॉडी कैविटी, हाँ ये तो होता है, विद सूडो सीलोमेट हैव अ सॉलिड बॉडी। बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं ना, उनमें सॉलिड बॉडी होती है, उनमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इसी की वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, ए सीलोमेट बोला जाता है। लेकिन सूडो सीलोमेट में ऐसा नहीं होता है कि सॉलिड बॉडी होती है, उसमें कैविटी जो होती है प्रेजेंट होती है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
कंटेनर टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म वेयर एज अ स्यूडो सीरोमेट हैव नो सच टिश्यूज। तो ऐसा नहीं कुछ होता है कि तुम्हारा टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, अगर मेसोडर्म तुम्हारा डिराइव्ड होंगे तो तुम्हारा उसको सीलोम बोला जाएगा, और जिसमें नहीं होंगे वो स्यूडो सीलोम बोला जाएगा। एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि बॉडी कैविटी तुम्हारी प्रेजेंट है, अगर लाइंड उसको मेसोडर्म में किया है तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, सीलोमेट हो जाता है, और इसको जो लाइंड प्रॉपरली नहीं करता है उन्हें स्यूडो सीलोमेट बोला जाता है। सिंपल डिफरेंस है, ये तो वाला गलत हो जाएगा। हैव अ बॉडी कैविटी कम्प्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्मल टिश्यू, तो बेटा हाँ ये होता है सीलोमेट, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी कैविटी पूरा कम्प्लीटली लाइंड होती है मेसोडर्मल टिश्यू से, लेकिन स्यूडोसीलोमेट में ये कम्प्लीटली लाइंड नहीं होती है, इसलिए स्यूडोसीलोमेट बोला जाता है। तो ये आंसर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। हैव अ कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस वेयर द स्यूडोसीलोमेट हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद ओनली वन ओपनिंग, तो ये इसकी डेफिनेशन नहीं है बेटा, तो ये वाला तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो सी विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो 30 सेकेंड्स है। चलो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायलेटरल सिमेट्रिक एसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल, सॉरी वो एक का कुछ बायलेटरल सिमेट्रिकल हो गया, स्यूडो सीलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इनवर्टिब्रेट। तो तुम्हें पता है बायलेटरल सिमेट्रिकल है, स्यूडो सीलोमेट है, तो कौन से होते हैं बेटा, राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, स्यूडो सीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं। तो प्लेनेरिया जो हो गया तुम्हारा किसमें आता है बेटा, फ्लैट वर्म्स में आता है, ये पिछली बार पढ़ाया था, जो तुम्हारा फ्री लिविंग होता है, ठीक है, ये जो प्लेनेरिया है तुम्हारा फ्लैटवर्म्स में आता है, तो ए सीलोमेट हो गया, तो ये वाला तो यहाँ से खराब हो गया, गलत हो गया। लेपिस्मा जो होता है बेसिकली तुम्हारा ऑर्थोपोड्स में आता है बेटा, ऑर्थोपोड्स में आता है, और ये क्या होगा, तुम्हारा सीलोमेट होगा, स्यूडो सीलोमेट नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। टीनिया सोलियम जो है तुम्हारा पैरासिटिक लाइफ है, पैरासिटिक फॉर्म है तुम्हारी किसकी, फ्लैट वर्म्स की, तो फ्लैट वर्म्स ए सीलोमेट होते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। एस्कैरिस जो होते हैं, जो निमेटोड्स होते हैं, जो राउंड वर्म होते हैं, वो तुम्हारे सीरो सीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के इन्वर्टिब्रेट होंगे, और तुम्हारा बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। ना देखो, कंसीडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द निमेटोड्स, यूरोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। तो मैं तुम्हें यहाँ से बताना चाहती हूँ, ये जो होते हैं नॉर्मली अमोनोटेलिक होते हैं बेटा, ठीक है, अमोनोटेलिक होते हैं, बेसिकली अमोनिया को रिलीज करते हैं, क्योंकि मरीन फॉर्म में बेसिकली पाए जाते हैं, तो उनको पानी की कोई तो कमी नहीं होती है, तो अमोनोटेलिक होते हैं मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीशन, सॉरी जो मोस्ट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन जो इनमें देखा जाता है, अमोनोटेलिक देखा जाता है, यूरोटेलिक नहीं देखा जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। रेनेट सेल्स आर रिक्वायर्ड, तो रेनेट सेल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा, जिसे हम एच शेप्ड सेल्स बोलते हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए रिक्वायर होती है, रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये वाला भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। मेल हैज अ लार्जर बॉडी इन एस्कैरिस, नहीं बेटा, यहाँ पे जो फीमेल होती है उसकी बॉडी जो होती है वो लार्जर होती है एज कम्पेयर टू द मेल, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। हैज अ बॉडी कैविटी, हाँ बॉडी कैविटी तो होती है, विच इज पार्शली लाइंड बाय द मेसोडर्म, यस, इसलिए बोला जाता है स्यूडोसीलोम, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ में आई होंगी, अगर कोई भी इशू है बेटा समझने में तो तुम मुझे बोल सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आया, वैसे कोशिश करती हूँ तुम्हें समझ में आए, अगर फिर भी कोई इशू आता है कि मैम कोई और क्वेश्चन आया हुआ है तो आपने ये पार्ट नहीं समझाया है, अगर कोई भी ऐसा इशू है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में और प्लीज़ तरीके से लिख देना, मैं पक्का से तुम्हें यू नो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी वो स्टार्टिंग में ही समझा दूंगी वो सारी चीज़ें, तो तुम नेक्स्ट वीडियो में देख पाओगे वो सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं तो जब मैं लाइव होती हूँ एक बार तब मुझसे आके डायरेक्टली तुम बात कर सकते हो कि मैम आपको ये पढ़ा दीजिए या फिर ये करा दीजिए, तो मैं आपके अकॉर्डिंग भी काम कर सकती हूँ, एक बार आप लाइव आके मुझे बता दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं देख लूँगी इसको, ठीक है। सो आपकी फ्री जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर होती है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं ली है तो सुबह 10:30 पे तुम्हारी होती है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ, ये जो क्लास होती है तुम्हारी मंडे टू फ्राइडे होती है, उसके बाद एक 4 बजे क्लास होती है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, लाइव होती है ये वाली भी,
ठीक है, कोई भी तुम्हारी रिकॉर्डेड नहीं होती है, ये जो संडे वाली क्लासेस होती है क्योंकि रिकॉर्डेड हो जाती है कभी कभी, लाइव क्लास होती है यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे टॉपिक कवर कराया जाता है और रिविजन भी स्टार्ट कर दिया, तो एक दिन पर्टिकुलर हम डेट डिसाइड कर लेंगे जहाँ पे तुम्हारा रिविजन कराना होगा और कुछ दिन हम टॉपिक को नए टॉपिक वहाँ पे रिवाइज करेंगे। अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो ऑन अकेडमी पे होती हैं, ये जो होती हैं तुम्हारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, आपको फिर कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो तुम्हारी पेड क्लासेस होती हैं, ये तुम्हारी अन अकेडमी ऐप पे ही होती हैं। ये जो प्लस क्लासेस हैं, आपको यूनिट वाइज कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, जो नोट्स हैं बेटा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, क्विजेस कराई जाती हैं, आपको टेस्ट सीरीज कराई जाती है, साथ के साथ आप यहाँ पे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उसके साथ साथ मेरा यहाँ पे एक रिवीजन कोर्स आने वाला है 5 नवंबर से, 5 नवंबर से मेरा रिवीजन कोर्स आने वाला है, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस रिवीजन कोर्स में क्या होने वाला है, प्रॉपरली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो रिवाइज आपके कराए जाएंगे, रिवाइज के साथ साथ आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं बेटा वो आपको सारे के सारे यहाँ पे कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं तो वो सारे के सारे कराए जाएंगे, तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान है गेट ये सी ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSI UGC नेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको प्लान चूज करना है कि 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ, 6, 12, 24 मंथ का लेना है, तो जो भी बच्चे नवंबर के लिए प्रिपेयर करें वो 1 मंथ का ले सकते हैं, या फिर अगर जो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं CSI के लिए आप 6 या 12 मंथ का ले सकते हो या फिर 24 मंथ का ले सकते हो। ये जो है मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आए हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में जो आए 24 मंथ वाला ले सकते हैं, आपको अमाउंट इतना पे करना होता है, उसमें आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम10, KUMKUM10 है, आपको अप्लाई करना है, देन करना है प्रोसीड टू पे, आपको 10% ऑफ मिलता है जैसे आप कुमकुम10 यहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं। आपको पेमेंट करनी होती है डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे EMI के थ्रू करो, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू करो, तो आपको 10% ऑफ करने के बाद में इतना अमाउंट पे करना होता है, तो अगर किसी बच्चे को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, आप 866 रुपीज पर मंथ करके आप पे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, कुमकुम10 यहाँ पे कोड अप्लाई करना है जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा, और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं आपको। तो अगर कोई नया बच्चा आया है तो लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।